इस पीसीबी को सेंड कर सकते हो, मैं इसको रिपेयर करके आप लोगों को कुरियर कर दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड। हाय फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ये 400 एम्पीयर आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन का कंट्रोल कार के बारे में। फ्रेंड देखिए, मेरे पास इस मॉडल का कंट्रोल कार सारे आया है, कस्टमर ने दिया है, कुरियर किया है रिपेयर करने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, इसमें यूसी 3846 DW IC SMD IC लगा है, एक 4 चैनल ऑफ एम है, एक सिंगल 2 चैनल ऑफ एम लगा है, ठीक है फ्रेंड। ये इसमें VRD नहीं है, बट इस PCB में VRD है। इसमें अलग से कंट्रोल कार्ड लगा रहता है, ये ड्राइवर कार्ड है। इधर जो पोटेंशियोमीटर लगा है, प्रोड लगा है, इससे आपका डिस्प्ले में भारी होता है, डिस्प्ले भारी होता है। और इससे जो एम्पियर मतलब बाय डिफॉल्ट एम्पियर होल्डिंग में कितना करेगा, इससे सेट किया रहता है फ्रेंड्स। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा था सारे में ही, मतलब ये दो कार्ड में मेजर प्रॉब्लम था, जो होल्डिंग एम्पियर कम हो रहा था, होल्डिंग करंट नहीं बढ़ रहा था, लो एम्पियर में होल्डिंग कर रहा था, इसका सॉल्यूशन हो गया। और इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसके वजह से आपका करंट सेट पॉइंट एडजस्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें LM358 IC का नंबर है, LM358, तो इस PCB में नहीं है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इधर से जो बीच में जो है, इसका वोल्टेज को डाउन कर देता है, इस जगह में कंट्रोल कार्ड देके कंट्रोल कार्ड इसको वोल्टेज डाउन कर देता है, उसके बाद आउटपुट होता है। इसमें IGBT शॉर्ट हो गया था, इसलिए ये जो ग्रेड ड्राइवर नेटवर्क है, पुल डाउन सर्किट है, इसमें खराबी आ गया, इसको ऐसे करके चेक करना है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एक PWM IC है, एक 4 चैनल का ऑफ एम है, उसके बाद एक 2 चैनल का ऑफ एम है, ये जो सेक्शन लगा है ये VRD के लिए लगा है फ्रेंड्स। फ्रेंड इधर देखिए, आप लोग देख सकते हो मेरा डेस्कटॉप में फिलहाल ड्राइंग चल रहा है। चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग सिर्फ इस PCB को सेंड कर सकते हो, मैं इसको रिपेयर करके आप लोगों को कुरियर कर दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू, आज के लिए इतना, अगले मिलते हैं अगले एक नया वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।